फिर से वो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है। पर अगर ये सेम चीज अगर मैंने वड़ा पाव या जलेबी खा ली पर मैं मेरा माइंडसेट मैं खुश हूँ तो वो पचने पूर्ण आहार मींस व्हाट। सबसे क्लासिक एग्जांपल है अपनी इंडियन थाली। अपनी इंडियन थाली में हर चीज है जो एक फुल हेल्दी मील को कंप्लीट करती है। टू स्टार्ट विथ रोटी या चावल में कार्बोहाइड्रेट है, दाल अथवा स्प्राउट्स में प्रोटीन है, फ्रूट वेजिटेबल्स सैलेड इसमें विटामिन्स मिनरल्स है और अचार जो भी ज़रूरी है इसमें प्रोबायोटिक है। ये दोनों ये सब चीज़ें मिला के एक संपूर्ण आहार है। पर आजकल ऐसा हो गया है कि हम वेस्टर्नाइज हो गए हैं, पूर्ण मील खाने के बजाय वन पॉट कर लेते हैं। बट ऑल्सो आई थिंक कि टू बिकॉज आवर चिल्ड्रन वांटेड सो हम कोशिश करते हैं कि फैंसी बनाए। पर ज़रूरी है कि अपना जो बेस है जो अपने एंसेस्टर्स ने खाया है वो अभी भी कंटिन्यू करें, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन इन सबको मिला के मिलता है वो सिर्फ एक मील या एक आहार दे नहीं सकता है। ओनली फूड इज नॉट द स्लीप। पांचवा है स्ट्रेस और छठा है खाने के बाद अफसोस करना। थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग में सबके बारे में बोलूंगी। खाना तो मैंने आपको जैसे बोला संपूर्ण आहार है। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। दूसरी बात डिस्ट्रेस होते हैं, साथ साथ टॉक्सिन निकलते हैं, तो जो भी हमने खाया है वो अच्छी तरह से पचने लगता है। उसके साथ साथ जैसे टॉक्सिन निकलते हैं बॉडी में ज़्यादा फुर्ती आती है, स्टैमिना बढ़ता है। एक्सरसाइज ज़रूरी इसलिए हुआ है कि मेरे दादी के टाइम पे बहुत काम हाथ से था, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम काफ़ी। आज की थीम है आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आई है पूना से, पूजा लोढ़ा करके, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट भी है, और उनके बारे में बच्चों के बारे में कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आज ये बताने आ रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताने जा रही है। इसके अलावा नागपुर के अलावा विदर्भ में और कहाँ कहाँ पैसे इवेंट ले रहे हैं? इवेंट अभी तो हम लोगों ने जीटो और महावीर इंटरनेशनल मिल के ये इवेंट कर रहा है और बाकी भी संस्थाएँ इससे जुड़ी है, अब हम लोग तो कर रहे हैं। आगे विदर्भ के बच्चों को और महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे टाइप के स्पीकर्स को आप लोग बुलाएं, सुने, और मतलब जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं उनके बच्चों के बारे में वो लोग इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी और वे बच्चे भी कुपोषित होने से बचेंगे और वे सुचारू रूप से अच्छे से खाना खाएंगे तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आपका नाम? सविता संचेती, महावीर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नागपुर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप महिलाओं को? महिला को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा आहार लें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल जो टीवी देखकर खाना खा रहे हैं, जो फैमिली साथ में नहीं बैठ रही है, एक आहार तो भी एटलीस्ट साथ में मिलकर लेना चाहिए ताकि जिससे बॉन्डिंग बढ़े, परिवार में अटैचमेंट बढ़े। खासतौर से अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों के लिए आजकल जो जंक फूड बच्चे खा रहे हैं विच इज़ वेरी बैड फॉर देयर हेल्थ, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा आहार खाएं, फ्रेश खाएं, ताकि जो अगली पीढ़ी जो है वो मजबूत बने। आपका नेम और डेजिग्नेशन? अर्चना जवेरी, जीटो प्रेसिडेंट लेडीज विंग नागपुर।